आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल की क्वांटिटी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हम आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रहे हैं। सब्जी फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स, ये एक मसाला स्पून जीरा, दो खड़ी लाल मिर्च और कुछ खड़े गर्म मसाले जिसे हम तेल में डाल देते हैं। ये दो तेज़पत्ता, इसे हल्का ब्राउन कर लेते हैं। ये दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। और ये प्याज के पेस्ट को मैं ऑयल में डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और प्याज की ग्रेवी को हम ब्राउन करेंगे, अच्छे से इसे भून लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देती हूँ। ये दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसका हम एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। तो इस प्यूरी को मैं टमाटर की प्यूरी को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मसाला स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 मसाला स्पून धनिया पाउडर, 1 मसाले स्पून से भी कम काली मिर्च पाउडर, 1 मसाले स्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर। मसालों में मैं सोयाबीन और कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो कैप्सिकम स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसे भी मसालों में ऐड कर देती हूँ ताकि ये कैप्सिकम और सोयाबीन भी मसालों के साथ अच्छी तरह से भून जाए। अब गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसे ढककर हम अच्छे से भूनेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे हम मसालों को चलाते रहेंगे। ये मसाले हमारे अच्छे से भून गए फ्रेंड्स और सब्जियाँ भी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें ये कटे हुए ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे हम इस तरह से काट लेंगे और इसे हम पहले ऐड नहीं करेंगे, अभी ऐड करेंगे। इसे सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसे मैं ऐड कर देती हूँ। ये हाफ बॉइल्ड आलू है फ्रेंड्स, ये 3 मीडियम साइज़ के हाफ बॉइल्ड आलू है जिसे एक विशेष लगा कर कुकर में बॉयल कर लेंगे। आप चाहे तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन्हें मसालों में ऐड कर देती हूँ। आलू को मैं मसालों में ऐड कर दी हूँ, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं मसालों में 2 टेबल स्पून दही कर्ड ऐड कर रही हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 5 मिनट गैस का फ्लेम मीडियम रख के हम और भूनेंगे। ये सारी सब्जियाँ फ्रेंड्स हमारी अच्छे से भून चुकी है, इसे मैं अच्छे से चला लेती हूँ। और अब मैं इसमें 1 मीडियम ग्लास पानी ऐड करूँगी। ये 1 मसाला स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सब्जियों को हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सारी सब्जियां हमारे ग्रेवी में अच्छे से मिल जाए और सब्जियों में हमारे उबाल भी आ जाए। तो अब मैं इसे और 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। ये सब्जियों में हमारी उबाल आ चुका है और सब्जियां हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से मसालों में मिल चुकी है और पक भी चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ। तो कसूरी मेथी को हाथ से हम ऐसे क्रश करके और सब्जियों में ऐड कर देंगे। तो मैं इसे ऐड कर देती हूँ सब्जियों में, इससे सब्जी का बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और थोड़ी सी मैं हरे धनिए की पत्ती भी ऐड कर रही हूँ और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये सब्जी हमारी सोयाबीन आलू की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। ये सोयाबीन आलू की स्वादिष्ट सब्जी हमारी बनकर तैयार है। आप इसे गरम गरम पूरियों के साथ, चावल के साथ, जिस तरीके से भी खाना चाहे आप खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप इस तरीके से सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और आने वाली नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।